गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एक नया टर्म स्टार्ट किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा डेफिनेशन उसका बताया था और उसी से आज हम लोग को आगे बढ़ना है। फिर से एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेफिनेशन पर आते हैं। वहां आपको डेफिनेशन में बताया था, when a beam of certain radiation strikes on the surface of certain metal, then ejection of electron takes place। यानी कि certain radiation के strike करने पर certain metal like potassium, cesium के surface से electron का ejection होता है, electron बाहर निकलता है। और चूंकि ये electron light की वजह से बाहर निकल रहा है, light को ही photo कहा जाता है, और ये जो electron बाहर निकल रहा है, move कर रहा है, तो इसको हम लोग electric current कहते हैं। तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है, देयरफॉर द फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इस स्ट्राइकिंग रेडिएशन के पास में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड एनर्जी। इसे ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी थ्रीशोल्ड एनर्जी को हम लोग वेव फंक्शन भी कहते हैं। डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है, सॉरी, इन्हें थ्रीशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या आ गया थ्रीशोल्ड एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रेजेंट विद अ स्ट्राइकिंग रेडिएशन टू शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं हम, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड एनर्जी। अब इस थ्रीशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड, चूंकि E का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं H इंटू न्यू, या फिर इसी को हम लोग H इंटू सी बाई लैम्डा कहते हैं, तो जब यहां थ्रीशोल्ड एनर्जी होगा यानी E नॉट, तो उस जगह पर इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि H नॉट, H न्यू नॉट। और अगर इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये थ्रीशोल्ड एनर्जी से हो गया, यानी द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड विद थ्रीशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द वेवलेंथ रिलेटेड टू थ्रीशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। अगर इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम के सरफेस से बाहर निकलेगा, एटम के सरफेस पर आएगा, एटम से बाहर निकलेगा, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि इस एटम के सरफेस पर ही होगा और इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो होगा, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं। वही अगर इस स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी लेस देन थ्रीशोल्ड एनर्जी रहा, तब उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, अगर स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी थ्रीशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, हमें चाहिए था थ्रीशोल्ड एनर्जी 100 जूल, और जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है वो है 150 जूल, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 50 जूल। तो ये 50 जूल उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी यहां ये बात बता रहे हैं आपको, ये स्ट्राइकिंग रेडिएशन के एनर्जी को अगर हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्राइकिंग रेडिएशंस के एनर्जी को अगर हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस ई का वैल्यू थ्रीशोल्ड एनर्जी से कम है, तब उस कंडीशन में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा। दूसरा कंडीशन आया, if the energy of a striking radiation is equal to threshold energy, तब इस कंडीशन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन इस कंडीशन में इसके काइनेटिक एनर्जी या आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ये जीरो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और अगर स्ट्राइकिंग रेडिएशंस का एनर्जी मोर देन थ्रीशोल्ड एनर्जी रहा, तब उस कंडीशन में यह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस कंडीशन में इनके पास में सर्टेन वेलोसिटी
या कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा जितना डिफरेंस हो, यानी ई माइनस ई नॉट। अब स्ट्राइकिंग रेडिएशन का एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब किसी को अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखे तो ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। यहां पर ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। सॉरी, एच लैम्डा के अगर टर्म्स में लिखे पहले के करके लिखते हैं एच न्यू, और यहां ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा एच न्यू नॉट। और देखो तो यहां अगर एच एच कॉमन ले लें तो फॉर्मूला हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी निकलेगा अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो। उसी तरह से इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहां तक का पोर्शन आप नोट करोगे। उसी तरह से अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई माइनस ई नॉट एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। इस बार कॉमन आ जाएगा एच सी और ब्रैकेट में आ गया वन बाई लैम्डा माइनस वन बाई लैम्डा। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया, और थर्ड काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला पढ़े हाफ एम डी स्क्वायर, जहां पर एम जो कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और आप इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास के वैल्यू को 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम कंसिडर किया जाता है। यदि ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको अपनी तरफ से लेना पड़ेगा एम के वैल्यू। तो अब न्यूमेरिकल बनाते वक्त में थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो वहां पर भी आप ये निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉब्लम यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल है वो छोड़ दिया आपके लिए, उसको आप कीजिएगा। यूनिट को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं है। पहले जो आसान सा लग रहा है पहले उसको बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.1, इस क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस वेर इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है विद जीरो वेलोसिटी। तभी आप याद कीजिए कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि इस जगह पर जो वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यानी लैम्डा नॉट, और इसका वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा नॉट का 6800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 6800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, या इसी को हम लोग 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा और वर्क फंक्शन कितना होगा। वर्क फंक्शन को ही हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो फॉर्मूला दोनों के लिए वही होगा, जहां ई नॉट के लिए जो यूज करते हैं वही डब्ल्यू नॉट के लिए होगा। एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले न्यू नॉट, न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा, तो न्यू नॉट वुड बी इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू आपको पता है इट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा नॉट का वैल्यू 6.8 × 10⁻⁷। इसको सोल्व कर लोगे या तो आप इसे हर्ट्ज में लिख सकते हैं या फिर सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हैं,
यह कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब ये न्यू नॉट निकल गया, या फिर आप वेवलेंथ से भी निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन, या कह सकते हो कि थ्रीशोल्ड एनर्जी ई नॉट इट वुड इक्वल टू एच इंटू सी बाई लिम्डा नॉट। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है 6.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा नॉट का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, चूंकि ये इनर्जी है इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा। तो बाकी इस पोर्शन को आप कैलकुलेट करिए, तो एकदम सिंपल तरीके से बना कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब यहां हम छोड़ दें, ये फॉर्मूला लिखने के बाद में छोड़ना था, क्योंकि यहां के बाद में अब ये पार्ट तो 6th-7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के कंसेप्ट का हो गया। अब आप इतने के बाद में आप छोड़ोगे नहीं, आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे सीक्वेंस में। अभी हम जिगजैग चल रहे हैं, मे बी 2.12 उसका 2.9 हो जाए, 2.7 हो जाए, लेकिन जब आप वीडियो देखिए उसके बाद आप एक एक करके सीक्वेंस में बनाओगे, यानी 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 इस तरीके से करके, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो है 2.10, एक्सरसाइज का 2.10, 2.10 यहां कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट टू आयनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, रेडिएशन स्ट्राइक कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आप एनर्जी देते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू के बराबर होता है। यहां पर लेमडा दिया हुआ है जो सफिशियंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए, इसका मतलब ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाएगा। तो इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर का आप जो है वो एनर्जी दे रहे हैं, तो इस लेमडा की जगह पर इसे हम लोग लेमडा नॉट रिप्रेजेंट करेंगे। 242 नैनोमीटर का मतलब हो गया 242 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, और आपसे कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालोगे तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट वुड इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू 242 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, या इसे 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 भी कर सकते थे। ये अभी निकल गया जून पे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझ, यहां कह रहा है कि इसे आपको किलो जूल पर मोल में निकालना है। पर मोल, वन मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब वन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना जूल एनर्जी चाहिए, तो वन मोल के लिए कितना होगा, तो इसको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर ये फॉर्मूला से आप यूज करोगे तो जूल निकलेगा, और किलो जूल पर मोल में निकालने के लिए इसी वैल्यू को, यानी कि एच सी बाई लैम्डा नॉट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा अवोगैड्रो नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और डिवाइड करना होगा 1000 से, क्योंकि पर मोल में कन्वर्ट करना था, वन मोल के लिए निकालना था, इसलिए इसको 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, और जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना था इसलिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर दिए। तो पहले जहां ये यूनिट जूल था, अब इस कंडीशन में इनका यूनिट हो जाएगा किलो जूल। स्टूडेंट इसी वाले पोर्शन में कंफ्यूज करते हैं,
तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान से समझोगे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना जूल चाहिए, तो हमें पर मोल निकालना है, यानी कि वन मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ये तो सिंपल सा है। अगर वन इलेक्ट्रॉन के लिए 10 जूल चाहिए तो 100 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 × 100, 1000 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 × 1000, तो 1 मोल के लिए 10 × 1 मोल कर देंगे, और मोल का वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻²। तो हमें लगता है कि यहां तक आपको बात जो समझ में आ गई होगी, इसे भी आप कंप्लीट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.9। इस 2.9 में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, और अधिकांश स्टूडेंट क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देखकर कर ये बड़ा क्वेश्चन है स्किप कर जाता है, सीधा समझता है कि अभी क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। ट्राई तो कीजिए, आसान सा ही है, वैल्यू एक बार चेंज करना पड़ेगा। डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझो। गया करें ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सर्फेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी कि इस स्ट्राइकिंग रेडिएशन का एनर्जी कितना है जो निकालना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, और फिर आपको वेलोसिटी निकालना है। स्ट्राइकिंग रेडिएशन का वैल्यू ये दिया हुआ है, वर्क फंक्शन का ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि इस वेवलेंथ का रेडिएशन मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब वो जो बाहर निकल रहा है, ये जो एनर्जी स्ट्राइक कर रहा है, उसका सबसे पहले आपको एनर्जी निकालना है, फिर निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, और फिर निकालना है कि वेलोसिटी कितना होगा। यहां पर एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस एक ही जगह पर आप चेंज कर दो रिक्वायरमेंट के अनुसार से। आप बुक में देखेंगे तो वहां इसका रिलेशन दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन दिया हुआ है। ये ब्रैकेट में यहां पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे में देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 × 10⁻¹⁹ जूल। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह स्ट्राइकिंग रेडिएशन है तो उसका एनर्जी वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का। करते हैं कैसे, सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 4 × 10⁻¹⁷ मीटर। एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट में, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया HC/λ। H का वैल्यू 6.63 × 10⁻¹⁴। C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 4 × 10⁻¹⁷। 4 × 10⁻¹⁷। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल गया जूल, यानी कि यहां पर ये जूल निकल गया। फर्स्ट पोर्शन जो कंप्लीट हो गया। सेकेंड में वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ, और ये वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन यहां वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको निकाल रहे हैं एनर्जी को जूल में, और ये रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। या तो आप इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, या इसे आप जूल में कन्वर्ट करो, वो आंसर पर डिपेंड करता है। वैसे अगर हमसे पूछोगे कि नहीं कहीं कुछ हिंट्स दिया हुआ है तो क्या करें, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। तो इसे जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हो गया 2.13 × 1.6020 × 1.6 × 10⁻¹⁹
मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू भी किस में निकल गया, जूल में। अब जब यहां ये निकल गया तो थर्ड में काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, यहां से आपका ई का वैल्यू जो आएगा वो पुट करोगे, यहां ये जो ई नॉट का वैल्यू जूल में आएगा वो पुट करेंगे, और फिर फोर्थ में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपने जो ऊपर में निकाला है थर्ड में वो पुट कीजिए यहां पर। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि इनका वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻³, तो फिर किसका वैल्यू निकालना है, वेलोसिटी का। कैलकुलेशन पड़ेगा, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से एकदम बना रहे हैं लिख रहे हैं तो हम तो स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप कैलकुलेटर यूज करो, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं आता है। लेकिन यहां चूंकि आप अगर घर में बना रहे हैं और कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा होगा तो आपका दिमाग कहेगा कि हाँ बन जाएगा इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वहां आप ट्राई कर सकते हैं एक बार दो बार। अब ये जूल में भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये काइनेटिक एनर्जी जो निकाले वो हम जूल में निकाले हैं और बुक में आंसर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई बात नहीं, जो जूल में आया है उसको डिवाइड कर 1.6 × 10⁻¹⁹ से कन्वर्ट कर गया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको आप सॉल्व करो। तो यहां तक का ये पोर्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड था, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो हमने यहां डिस्कस किया है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो जब ये आपके बन गया तो एग्जाम्पल तो बना हुआ है, हिंट्स भी दिया है, लेकिन हम कहेंगे कि इसी तरीके से आप बनाओगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में एक अलग टॉपिक पे बढ़ते हैं, यहां हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। थोड़ा सा पीछे से चलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड, बैंड ऑफ रेडिएशन, बैंड ऑफ वेवलेंथ, इन सब को मिला करके हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, जैसे विजिबल लाइट के केस में पढ़े थे, इस चैप्टर में भी हम लोग एक जगह पर डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जहां बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के एक सीक्वेंस में अगर अरेंजमेंट किया गया हो तब उस कंडीशन में उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइट के केस में आप याद करो, नीचे क्लासेस में हम पढ़े थे विजिबल लाइट के बारे में, पहले वही विजिबल स्पेक्ट्रम से ही आते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, यहां पे स्लिट यूज करते हैं हम लोग, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर, ये 7 कलर में टूट जाता है, बाकी का ये फिजिक्स का पार्ट हो गया। क्यों टूटेगा, क्या रीजन होता है, रिफ्रैक्शन कहां होता है, डिफ्रैक्शन कहां होता है, डिस्पर्सन क्यों होता है, उस वाले फील्ड में हम नहीं जाते। यानी कि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद में ये 7 कलर का फॉर्मेशन करता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और चूंकि ये विजिबल लाइट से बना है इसलिए इस स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। इसी विजिबल स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, आप रेनबो भी देखे होंगे, आप ये विजिबल स्पेक्ट्रम भी देखे होंगे, आप लैब में अगर यूज किए होंगे तो वहां पर, या स्टूडेंट वगैरह का भी स्केल वगैरह का या कुछ ग्लास वगैरह है उसको लाइट के प्रेजेंस में रखता है तो वहां पर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। तो उस जगह पर अगर आप स्पेक्ट्रम को देखोगे तो वहां क्या आपको मिलेगा कि एक कलर अगर ये वायलेट है और दूसरा कलर अगर इंडिगो है तो वायलेट और इंडिगो के बीच में कोई मार्जिनल गैप नहीं होता है, इंडिगो और ब्लू के बीच में कोई गैप नहीं होता है, एक कलर दूसरे कलर को ओवरलैप कर रहा होता है, ये थर्ड कलर सेकंड कलर को ओवरलैप कर रहा होता है, यानी कि एक खत्म हुआ नहीं कि उसके पहले ही से सेकंड स्टार्ट होना शुरू हो गया,
इसलिए जब कलर स्पेक्ट्रम को देखोगे, रेनबो को आप देखोगे, तो जो प्राइमरी कलर है वही दिखाई देते हैं, सातों कलर आपको बिल्कुल एकदम डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देगा। मैग्नीफाइंग फॉर्म में भी अगर देखेंगे तो वहां पर एक और दूसरे कलर के बीच में कोई मार्जिन नहीं होता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं कहा जाता है। तो हमको लगता है कि आप विजिबल स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया होगा। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, दैट डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट टेक प्लेस एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बैंड ऑफ सेवन कलर ऑन द स्क्रीन एंड दैट बैंड ऑफ सेवन कलर इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। The analysis of visible spectrum states that there is no visible boundary. यानी एक कलर और दूसरे कलर के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, there is no margin, कोई मार्जिन नहीं है, therefore it is also called continuous spectrum. इसलिए इसे continuous spectrum कहा जाता है, ये visible spectrum से related है। उसी तरह से साइंटिस्ट लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन किए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्मेशन के लिए क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस को लिया गया यहां और इसे हम लोग इलेक्ट्रोड से हीट करते हैं। जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हीटेड फॉर्म में आता है तो ये रेडिएशन से मीट करता है यहां से, इस जगह से भी एक फाइन स्लिट रखा हुआ है, होल के थ्रू में जाएगा और जब इसे हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, जब इसे पास कराते हैं लोग प्रिज्म से तो इस जगह पर भी डिस्पर्शन होता है, यहां पर इस जगह पर भी स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। तो जब व्हाइट लाइट से जो स्पेक्ट्रम बना उसे कहा गया विजिबल स्पेक्ट्रम, और जो इस हाइड्रोजन एटम की वजह से बना, हाइड्रोजन एटम को लिया गया था तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया। इसके और इन दोनों में फर्क क्या है, जब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि एक रेडिएशन और दूसरे रेडिएशन के बीच में मार्जिनल गैप था, यानी कि यहां पर गैप है बाउंड्री लाइन। तो जहां पर इसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह रहे थे, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है, तो सॉरी एटॉमिक स्पेक्ट्रम और विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हाइल एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें गैप है। अब इसके बाद में विजिबल स्पेक्ट्रम सिर्फ विजिबल लाइट से ही बनता है, यानी कि यहां पर इनका वेव लेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में आता है, जबकि इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ पार्ट विजिबल रीजन में होता है, कुछ इंफ्रारेड रीजन में होता है और कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, और इन सब पोर्शन का डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, और जिन्होंने जिसका डिस्कवरी किया उन्होंने उसका नाम भी लिया। जैसे सबसे पहले जो विजिबल रहेगा वो दिखेगा, बाल्मर साहब ने इसके बारे में देखा, इन्होंने इसका स्टडी किया तो उसको बाल्मर सीरीज कह दिया गया। लीमन साहब इसे अल्ट्रा वायलेट रीजन में देख रहे हैं कि इसमें विजिबल के अलावा अल्ट्रा वायलेट में भी है, तो एक और सीरीज हो गया लीमन सीरीज। फिर उसी तरह से जैसे जैसे डेवलप करता गया तो लीमन बाल्मर पाश्चर ब्रैकेट पफन इस तरीके से सीरीज आ गया, यानी यहां ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चूंकि ये इमिटेड रेडिएशन से बन रहा है इसलिए इसे इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है, इमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि यह हाइड्रोजन एटम के इमिटेड रेडिएशन से बन रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम सिर्फ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के रेंज में आता है, जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कुछ पोर्शन अल्ट्रावायलेट रीजन में भी है और कुछ इंफ्रारेड रीजन में भी, और इसकी वजह से नंबर ऑफ सीरीज का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम लोग लीमन बाल्मर पाश्चर ब्रैकेट पफन और हम्फ्री कहा जाता है। ये पीडीएफ में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आपको इनके बारे में। इसी जगह पर एक और टर्म आया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसको समझो थोड़ा सा। इस जगह पर क्या किया गया,
कि यहां पर ये जो लाइट निकल कर इधर जा रहा है, तो प्रिज्म से पास कराने के पहले इसे सॉल्यूशन से पास कराते हैं इस जगह पर, एब्जॉर्बेंट भी कहा जाता है, और उसके बाद में फिर ये पास किया। और अब जब एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि इस स्पेक्ट्रम में कुछ ब्लैक स्पॉट आ गया, यानी कि कुछ खाली जगह आ गया स्पेक्ट्रम। तो ये खाली जगह पर आया था, इसमें तो हाइड्रोजन ही था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जब इस सॉल्यूशन को रख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन कुछ पार्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा, और इस वजह से अभी इस स्पेक्ट्रम का जो फॉर्मेशन हुआ है उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से फिर से सोचो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का दो पार्ट हो गया, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के द्वारा इमिटेड रेडिएशन से बना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस इमिटेड रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराने के पहले अगर एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास कराते हैं तब स्क्रीन पर कुछ गैप मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि उस जगह का पार्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुका है, एंड देयरफॉर द रेडिएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वहां एब्जॉर्प्शन की वजह से बना। अब इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ सीरीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें लीमन बालमन पाशन डाइटेट और पफर्ण है, हम पे फॉर्म में है, वो इस तरीके से आपको एक टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ में वो टेबल दे रहे थे, उस टेबल को आप नोट करो। यहां लीमन है तो इस जगह पर, एक जगह पर ये वैल्यू की किस रीजन में आ रहा है, एक जगह N1 का वैल्यू है, दूसरी जगह पर N2 का। तो अगर मान लें कि ये लीमन है अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो N1 का वैल्यू 1, तो N2 दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। उसी तरह से लीमन के बाद में फिर बालमन आ गया, बालमन के केस में देखोगे कि ये विजिबल है, तो यहां 2, इस जगह पर 3, 4, 5, 6। फिर बालमन के बाद में पाषाण आ गया, फिर इस तरीके से। ये टेबल को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे बोस एटॉमिक नंबर के बाद, क्योंकि अभी जब ये 2, 3, 4, 5 बताएंगे कि ये है क्या, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एनसीईआरटी बुक में तो वहां पर दे दिया, तो अभी सिर्फ आप इसको नोट करके रखोगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे जब बोस एटॉमिक मॉडल पढ़ लेंगे हम लोग, तो फिर से एक बार वापस आएंगे। और बोस एटॉमिक मॉडल ही, चूंकि वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है, वो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्यूरेट जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से है। तो आज यहां तक इसको आप नोट कीजिएगा, और अब इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग बोस एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वेट कीजिएगा, बताएंगे हम जब बोस एटॉमिक मॉडल, उसके बाद में फिर यहां पर आएंगे। आज यहीं तक।